अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, अब हम जो है आज स्टार्ट करेंगे कि पहले तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से आपने फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, हमने अकाउंट क्रिएट भी कर लिया है और अपने अकाउंट को 70% तक अपने अकाउंट को कम्प्लीट भी कर लिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने फाइवर अकाउंट पर। ठीक है, आप लिखें fiverr.com और जो आपकी प्रोफाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले आप ये लोगो वाले बटन पे आ जाएं। ठीक है, और यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर लें। सबसे पहली गिग आज हमने तैयार करनी है। ठीक है, तो ये स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है और यहाँ पर क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए क्रिएट ए न्यू गिग। तो सबसे पहले हम एक नई गिग तैयार करने जा रहे हैं। इसके साथ ही ना मैं एक काम कर लेता हूँ, ये मेन्यू टैब ओपन कर लेता हूँ एक न्यू टैब में, ताकि हम जो गिग तैयार करेंगे हमें मुख्तलिफ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो टाइटल है वो मिल सके। मैं पहले आपको बता दूं कि हमने अकाउंट गिग कैसे क्रिएट करनी है। आप सबसे पहले इस बटन पर क्लिक कर लें, क्रिएट ए न्यू गिग। इस तरह से आपके सामने एक वही वीडियो ऑप्शन विंडो आ जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। ठीक है, वही सारा प्रोसीजर होता है प्रोफाइल वाला, और कंटिन्यू कर लें। ठीक है, फिर से आप कंटिन्यू करें और उसके बाद यहाँ पर वो सारा जो हमने मतलब फीडिंग की थी और अकाउंट को कंप्लीट करने की कोशिश की 70% तक, आप कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट कर लें। ठीक है, हमने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देके फिनिश कर लिया। ठीक है, 70% तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीट रेट 70%। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फिनिश करना है। जैसे फिनिश करेंगे एक न्यू गिग क्रिएट करने की ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पर जो होता है कि हमें लिखा जाएगा यहाँ पर गिग टाइटल, आई विल डू समथिंग, आई एम रियली गुड एट एटसेट्रा, जो भी है। अब यहाँ पे अब आपने आई विल डू नहीं लिखना है। ठीक है, इससे आगे लिखना है आपने। मिसाल के तौर पर मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पे सर्विस सर्च कर सकते हैं बैकग्राउंड रिमूवल की। ठीक है ना, आप यहाँ पर लिखें सिर्फ बैग ही लिखा है तो देखिए खुद ही आ गई बैकग्राउंड रिमूवल। इस तरह आप क्लिक कर लें, सर्च करें, इससे रिलेटेड जितनी इमेजेस होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रही है कि ये मतलब बहुत बड़े बड़े डब्बों की शक्ल में आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ एक व्यू ऑप्शन होगी मुझे अभी मिल नहीं रही। ठीक है, जिसे हम ये देख सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पर कि एनालिस्ट और मतलब जिस शेप में हमें इमेजेस चाहिए वो कैसे आएंगी। ठीक है, चले बहरहाल ये देखें, ये एक बंदे ने गिग लगाई है बैकग्राउंड रिमूवल की या एडिट यानी बैकग्राउंड चेंज करने की। ठीक है, इसकी इमेजेस आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने भी इसी तरह से इमेजेस जो है वो क्रिएट करनी है। ये देखें, बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है इस तरह से, बहुत सारी इमेजेस आपको मिलेंगी। ये बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें टाइटल की जरूरत है। पहले आप टाइटल देखें क्या लिखा हुआ है। इस बंदे ने टाइटल लिखा हुआ है आई विल प्रोडक्ट फोटो रीटचिंग एंड एडिटिंग रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, वो इसमें क्या क्या सर्विस दे रहा है कि वो प्रोडक्ट की फोटो, जो प्रोडक्ट फोटो है मतलब जो भी चीज़ है इसमें इमेजेस भी हो सकती हैं, उसको रीटच कर रहा है, एडिट कर रहा है और बैकग्राउंड रिमूव भी करके दे रहा है। यहाँ पर देखें, इसने लिखा है आई एम प्रोफेशनली रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज कट आउट फोटो। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या लिखा हुआ है, आई विल डू कट आउट इमेज एंड बैकग्राउंड रिमूवल फ्रॉम योर इमेज। यानी ये टेक्स्ट की स्टेटमेंट जो होती है, जो टाइटल है वो आगे पीछे करके लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए बैकग्राउंड रिमूवल वाली, आई विल रिमूव बैकग्राउंड 15 इमेजेस विद वाइट और ट्रांसपेरेंट। ये वो बंदा है जो इमेज को, इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा है। ठीक है, 15 इमेजेस जो हैं उसके बैकग्राउंड को वाइट करके दे रहा है या ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एक ये बंदा है जो कह रहा है कि आई विल डू 20 to 250 फोटोज बैकग्राउंड रिमूवल एंड क्रॉप इमेज। इमेज को बैकग्राउंड को रिमूव भी कर रहा है, क्रॉप भी कर रहा है। आपने कोई अच्छा सा देखना है तो अब आपको एक और हल बता देता हूँ अच्छी इमेज ढूंढने के लिए। आप यहाँ पर देखें कि आप ग्राफिक एंड डिजाइन में आ जाएं और विजुअल के अंदर फोटोशॉप एडिटिंग के अंदर आ जाएं। ठीक है, फोटोशॉप एडिटिंग पे क्लिक कर लें इस मेन्यू के सब मेन्यू में, और यहाँ आपको सर्विस ऑप्शन मिलेगी। सर्विस ऑप्शन में आके इस मेन्यू पे क्लिक करें। ठीक है, तो अभी शो हो जाती है। ठीक हो गया, यहाँ पे रीटचिंग एंड इन्हेंसमेंट बैकग्राउंड रिमूवल। हमारा मकसद है कि हम बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड गिग तैयार कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें कि आपको सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड इमेजेस या गिग्स देखनी है। किनकी देखनी है, जो मुख्तलिफ सेलर्स हैं, और ये आपको
करीब 1016 सेलर्स मिलेंगे जो बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं और सर्विस नहीं दे रहे, सिर्फ बैकग्राउंड को रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप ये भी देख सकते हैं कि उनमें कौन कौन से सेलर जो हैं वो जेपैक बना के दे रहे हैं, पीएनजी देख रहे हैं, पीएसडी और पीडीएफ बना के दे रहे हैं। लेकिन आपको यह याद रखना है आपने कि ये जो सर्विस, ये जो ऑप्शन है, ये बायर देखता है, सेलर नहीं। लेकिन हम अभी गिग क्रिएट कर रहे हैं तो हम दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी गिग को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दूसरे लोगों को देख रहे हैं कि उन्होंने गिग कैसे बनाई है, ताकि हम भी उनकी तरफ से देख के अपनी गिग को अच्छी तरह से बना सके। ठीक है, ये देखें, ये इमेज बनी हुई है, एनी टाइप फोटोशॉप वर्क विद इन 3 आवर्स। ठीक है, इसने क्या टाइटल लिखा हुआ है कि आई विल डू प्रोफेशनली फोटोशॉप वर्क विद इन 3 आवर्स। हम भी लिख सकते हैं आई विल डू प्रोफेशनली फोटोशॉप वर्क, लेकिन यहाँ देखें ये बैकग्राउंड रिमूवर से रिलेटेड नहीं थी, उसने इमेज बैकग्राउंड रिमूवर की लगाई है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनली फोटोशॉप वर्क। हमें यहाँ पर मेंशन करना चाहिए कि बैकग्राउंड रिमूवर, कि आई विल प्रोफेशनली रिमूव बैकग्राउंड फॉर अमेजोन। ठीक है, तो ये अमेजोन से रिलेटेड इमेजेस को करते हैं, कट आउट इमेजेस वो आ गई, देखें इस तरह से करके आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आई विल डू प्रोफेशनल फोटो बैकग्राउंड रिमूवल इमेज एडिटिंग एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आपको कोई अच्छा सा यहाँ से टाइटल देख के मिक्स करके बनाना पड़ेगा। देखिए आई विल डू इमेज कट ऑफ, ठीक है ना, ये देखें इस तरह से इसने बहुत सारी इमेजेस लगा दी हैं। इसका मतलब है बता रहा है बंदा कि मैं ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है, फोटो रिटचिंग कर सकता है, कलर करेक्शन कर सकता है, ठीक है, और एडजस्ट लाइटिंग एंड कंट्रास्ट कर सकता है, ठीक है, इमेज रिस्टोर कलर, फोटो मर्जिंग करना, ठीक है, फिक्स डैमेजेस, फोटो फोटो मैन्यूपुलेट, ये सारे काम ये बंदा करके दे रहा है। और ऑर्डर करने के लिए कितने हैं, $5, इनमें से एक सर्विस, सारी सर्विसेज नहीं, लेकिन ये इसमें एक में ही सब कुछ बता दिया है। तो सबसे बेहतरीन ये गिग की इमेज है मेरी नज़र में, सबसे बेहतरीन ये इस वजह से है कि यहाँ पे वो बता रहा है कॉन्टेक्ट मी बिफोर ऑर्डर प्लेस, कि बैकग्राउंड रिमूव चेंज, सारी की सारी सर्विसेज ने एक इमेज में ऐसे मेंशन भी कर दी है, अपनी प्राइस भी बता रहा है ऑर्डर की कि मिनिमम कितनी प्राइस ले रहा है, 24 आवर्स ऑर्डर भी बता रहा है कि इतनी डिलीवरी हो जाएगी। फिर उसने बता दिया वो कौन कौन सी सर्विसेज करके दे रहा है, फोटोशॉप पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स को करके दे रहा है, और फिर अमेजोन, अबे ये भी आ गया आपका अलीबाबा और शोपी वगैरह, ठीक है, इन सब के लिए जो है ना वो मतलब के जो इमेजेस हैं वो वर्क करके दे रहा है, ये कर सकता है, वो बता रहा है एबिलिटी। आई विल डू एनी काइंड ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग प्रोफेशनली, ठीक है, आप लिख सकते हैं आई विल डू प्रोफेशनली एनी काइंड ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग, आप इसको मतलब चेंज करके लिखेंगे, ठीक है, वैसा ही नहीं लिखना आपने, ठीक है, ना कॉपी पेस्ट करना है, तो आप लिखें आई विल डू प्रोफेशनली एनी काइंड ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप बैकग्राउंड रिमूवल की ना बनाएं, बल्कि आप ये गिग बनाएं जो फोटोशॉप एडिटिंग से रिलेटेड हो, जिसमें बैकग्राउंड रिमूवल और वो ये सारी चीज़ें हों जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस इमेज पर क्लिक करें, ये इमेज जूम हो जाएगी, ठीक है, आपके आसानी के लिए बता रहा हूँ, ये गिग इमेज ओपन हुई है, अब इसके ऊपर क्लिक करें, इमेज को हम जूम करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं इमेज को अच्छे तरीके से, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लें, इमेज अभी हो जाती है लोड, या फिर यहीं पर रखते हुए आप इस इमेज को सेव भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, सेव इमेज पे करके, ठीक है, और इस इमेज को आप अपनी किसी डायरेक्टरी में जाकर सेव कर सकते हैं, ठीक हो गया, मैं जो ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ ई ड्राइव में मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसलिए है कि हमें यह इमेज अच्छी लगी है और इससे मिलती जुलती इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने इस जैसी इमेज बनाने की कोशिश करनी है। और ये देखें, ये बता रहा है बंदा कि वो फोटोशॉप, लाइट रूम, अडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा, ये 4 सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर रहे हैं, सही है, तो उनकी मदद से वो ये सारा काम करके दे सकता है। और फिर देखें .psd, तो ये लाइटरूम .lr होगा, .ai इलस्ट्रेटर की फाइल जो एक्सटेंशन है, और .cdr कोरल ड्रा, ये चारों एक्सटेंशन में भी फाइल बना के दे सकता है। ये अब हमें इसकी पूरी गिग रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड इमेज देखें जो उसने ये लगाई हुई है, ठीक है, जो भी एडिटिंग करके ये देखें इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैन्यूपुलेट किया हुआ है इमेज को, सही है। और फिर आगे देखें नेक्स्ट, ये भी एक इमेज है जो इसने वर्क किया हुआ है, इस तरह की एडिटिंग कर रहा है ये बंदा, कि कैबरी डेरी मिल्क या जो भी चॉकलेट की, उसके अंदर देखिए कीबोर्ड के बटन शो किए हुए हैं, कैसी एडिटिंग है, देखें ये उसने
कछुआ है जो टॉर्टर्स उसको बर्गर बना दिया, देखें देख रहे हैं। इसी तरह ये देखें इमेजेस और ये देखें फैक्ट्स, तो ये सारा काम इंशाल्लाह हम देखेंगे। अब नेक्स्ट देखें एक और इमेज का फैक्ट भी, ये देखें इसने किया हुआ है। तो हम अभी एक इमेज लगाते हैं, एक इमेज लगा के नेक्स्ट वर्क करेंगे। ये उसने क्लाइंट के लिए काम करके दिया है, बैकग्राउंड रिमूव करके दिए हैं, ये देखें। ये क्लाइंट के लिए उसने क्या किया कि इमेज के बैकग्राउंड को चेंज किया हुआ है, देखें सही है। ये भी देखें बैकग्राउंड वाइट किया हुआ है, या आप समझ लें पीएनजी है ये आपकी बैकग्राउंड विदाउट मतलब के बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो इस तरह से इसने बहुत सारे काम किए हुए हैं। अब आपको इस सेलर के बारे में बता दूं, ये सेलर किस जगह का रहने वाला है तो पता नहीं है, पर इसने अपना कुछ नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, लेवल 2 का सेलर है और रैंक इसका 5 और 1247, ठीक है। ऑर्डर्स जो हैं ये ले चुका है, इसकी कोई में ना और एक ऑर्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको वैसे एक बात बता दूं कि आप ज़्यादातर सर्च करें कि जो ऑर्डर्स क्वी में ज़्यादा जिनके पड़े हुए हों उनकी गिग्स को फॉलो करें, ठीक है। और टैग्स वगैरह भी देखने हैं, अभी बड़ा कुछ आपने देखना है। ये टाइटल जो है ना, हम इस टाइटल का इस्तेमाल करते हुए अपनी गिग के लिए ये यूज़ करेंगे कि आई विल डू प्रोफेशनली एनी काइंड ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग। तो हम ये जो है ना इसको टाइटल को अभी टाइप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें आएंगी तो साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें इसके मज़ीद वर्क भी हैं, इसने जो यहाँ पे काम किया हुआ है, सही है। ये देखें आगे इसको रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं यहाँ पर। और ये एक आई थिंक लेडी है यूनाइटेड स्टेट यूएसए का, ये तो आई थिंक रिव्यू है ना। अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो सेलर है ये लेडी है एक, ठीक है। आई विल डू माई बेस्ट उसने लिखा हुआ है, सॉरी ऑलवेज डू माई बेस्ट, ठीक है। और 1560 ऑर्डर्स जो है ये कर चुकी है और 5.0 ही रैंक है इसका, फुल स्टार मिले हुए हैं इसको। इसके अकाउंट में चले जाते हैं और देखते हैं इसने कौन कौन सी गिग्स लगाई हुई हैं, ठीक है। तो देखें इसकी एक गिग ये है फोटोशॉप एडिटिंग प्रोफेशनली, और दूसरी ये इसने आई विल डू फेसबुक और ये कवर, और ठीक है और भी इसकी गिग्स अवेलेबल हैं। अभी हम एक गिग बना रहे हैं इसकी, इससे रिलेटेड इस तरह की गिग बनाने की कोशिश करेंगे। इस गिग को अभी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। पहले वैसे ओपन थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम अपने आते हैं खुद के जहाँ पे हम लिख रहे हैं आई विल डू। ये मैंने आपको बताया था कि आई विल डू नहीं लिखना आपने, ऑलरेडी पीड होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है आई विल डू के बाद आप ये जो मुझे यहाँ पे यानी अच्छा लगा कि प्रोफेशनली एनी काइंड ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग, आपने थोड़ा सा चेंज कर करके लिखना है इसको, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आई विल डू, ये देखें यहाँ पे, बल्कि डू भी लिखा जाएगा ना, ये देखें डू। यहाँ पे आप जब लिख रहे होंगे ना तो आई विल से आगे आ रहा है, ठीक है ना। आई विल डू एक मिनट रुकें, हम यहाँ पे प्रोफेशनल लिखते हैं, ये प्रोफेशनली लिख लेते हैं, या मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉपी करके ले आता हूँ ताकि हमें लिखने का भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ से जब हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, लेकिन हमने खूब खूब नहीं लिखना, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करूँगा अभी मैं आपके सामने टाइप करने के बजाय, ये देखें पेस्ट हो गया। हम इस प्रोफेशनल वाला लफ्ज़ जो है ना इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है, इसको बैक स्पेस कर दें और यहाँ पर आई विल डू प्रोफेशनली एनी काइंड ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 47 है ना, अभी आप और भी लिख सकते हैं फोटोशॉप एडिटिंग, आगे आप लिख सकते हैं कोमा डाल के बैकग्राउंड रिमूवल समथिंग, कुछ भी आप ऐड करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप एडिटिंग आ जाए तो आप समझ लें कि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। उसके बाद कैटेगरी में आना है तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा होता हूँ कि जब हम बैकग्राउंड रिमूवल है तो फिर उसके एक कैटेगरी को चूज़ करना पड़ता है। पहले आप आ जाए कैटेगरी में ग्राफिक एंड डिज़ाइन पे क्लिक कर लें, ठीक है। फिर इसकी सब कैटेगरी में आना है तो सब कैटेगरी में देखें क्या ग्राफिक एंड डिज़ाइन में हम लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, नहीं, ना ब्रांड स्टाइल है, ना हमारा गेम आर्ट है ग्राफिक, और ये भी नहीं, हम जो कर रहे हैं वो है फोटो एडिटिंग, ठीक है। जो हमारी सर्विस है वो क्या है, फोटोशॉप एडिटिंग। तो यहाँ पे हमें फोटो एडिटिंग से रिलेटेड मिल जाएगी, अभी देखते हैं, ठीक है। देखिए फोटोशॉप एडिटिंग, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, ये हमारी सब कैटेगरी आ गई, ओके। इस सब कैटेगरी के अंदर जो काम हम ज़्यादातर कर रहे हैं वो है बैकग्राउंड रिमूवल, इस पर क्लिक करना है आपने। अगर आप रीटचिंग पे ज़्यादा कर रहे हैं तो रीटचिंग पे क्लिक कर, लेकिन आप एक ही सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसीलिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एनी काइंड ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग लाइक अ बैकग्राउंड रिमूवल, तो वो लिखेंगे तो बैकग्राउंड रिमूवल वाजिया हो जाएगा। अगर आप चाहें तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो कॉपी करके आप यहाँ पर कोमा डाल के चाहे आगे बैकग्राउंड रिमूवल लिख दें, लेकिन आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो
मैं आपको वही आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप फोटोशॉप एडिटिंग ही रहने दें, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करें, फोटोशॉप के कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही होगी, छोटे बड़े लफ्ज़ हैं, ठीक है ना, हमने थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करके लिख दिया। आई विल डू प्रोफेशनली एनी काइंड ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग। आपने मतलब और भी सर्च कर सकते हैं, और भी आपको इससे भी अच्छे टाइटल मिल सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको कहते हैं गिग टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमने कैटेगरी भी फीड कर दी है, सिलेक्टेड कैटेगरी भी यहाँ से मिल सकती है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग फोटोशॉप एडिटिंग यही कैटेगरी है ना जो हम चूज कर रहे हैं, ओके। उसके बाद आप आ जाएं नीचे, यहाँ पर मैंने आपको बैकग्राउंड रिमूवल बता दिया है, इसको सिलेक्ट कर लें। फॉर्मेट फाइल में आ जाए तो आप जेपैक भी बना सकते हैं, आपको पीडीएफ भी बनानी आती है उसके अंदर ही ऑप्शन है, पीएनजी बना सकते हैं आप, इसकी सोर्स फाइल पीएसडी भी बना सकते हैं, रॉ फाइल भी बनती है आपकी, और TIFF की एक्सटेंशन ही है, जस्ट आप एक्सपोर्ट कर दें तो टिप में भी बन जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप नीचे सर्च टैग में आएंगे। मेन चीज़ ये सर्च टैग होती है कि जब क्लाइंट आपके जिसे कहते हैं कि जो सर्विस आपने दिया वो उसको सर्च कर सकता है। तो आप आ जाएं इस बंदे के, ये जो लेडी है इसने यहाँ पर फाइल में देखें जेपैक पीडीएफ पीएनजी पीएसटी और रॉ और टिफ सारा कुछ दिया हुआ है, और एडिटिंग टाइप कौन सी ली हुई है, देखें बैकग्राउंड रिमूवल मैंने भी यही सिलेक्ट किया अभी आपके सामने, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब टैग्स क्या लगाए हैं, सबसे नीचे आ जाएंगे ना, इसने यहाँ पर टैग्स जो दिए हुए हैं ना वो टैग्स देख रहे हैं कि फोटो मैन्युपुलेशन, हम इन्हीं टैग्स को भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, टैग्स का चक्कर नहीं, ये अगर टैग लगाएंगे तो हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों बोला, क्योंकि इसकी गिग जो है वो चल रही है, इसकी गिग चल रही है, इसको ऑर्डर्स आ रहे हैं, इट मीन ये वर्किंग कंडीशन में। हम इसको कॉपी कर लेते हैं फोटो को, तो यहाँ पे लिंक तो कॉपी नहीं करना ना हमने, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कोशिश करके बाहर से करके ना, हम थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। एक टैग हम लगाएंगे यहाँ पर फोटो मैन्युपुलेट वाला, मैन्युपुलेशन, ठीक है, ये काम भी हम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, इंशाल्लाह होगा। बैकग्राउंड रिमूवर सेकेंड, इसको पहले क्लिक कर लेते हैं ना, फिर यहाँ से बैकग्राउंड रिमूविंग दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट की। ये वो आप समझ लें कि ये एक सर्च टैग जो होता है ना, ऐसा टैग ऐसी ऑप्शन होती है कि जो क्लाइंट सर्च करता है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड रिमूविंग या रिमूवल, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवल हम ये यूज कर लेते हैं, ओके। फिर आप आ जाएं यहाँ पर स्किन रीटचिंग, तो जाहिर सी बात है रीटचिंग स्किन से रिलेटेड ही होती है, वरना रीटचिंग किसकी करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पेस्ट करते ही आप देखें कोई इससे रिलेटेड ऑप्शन आ रही है, नहीं आ रही है, हम एंटर कर लेते हैं, वो खुद ब खुद सर्च टैग में ये लगा देगा। ये क्या चीज़ होती है, जब आप गूगल पर सर्च करते हैं या आप इसी में आके जब सर्च ऑप्शन में जाके लिखते हैं बैकग्राउंड मैनिपुलेशन, बैकग्राउंड रिमूवल, समथिंग जो भी, तो वो आपको इससे इसी टैग की बेस पर वो बंदे लेके आ जाता है जो ये काम कर रहे हैं, सही है। तो ये वो टैग्स हैं। फिर आता है फोटोशॉप एडिटिंग, जो खुद है ये, ठीक है ना, सर्च इंजन में आपने लगाया था, यहाँ भी आप फोटोशॉप एडिटिंग से रिलेटेड एक टैग लगा दें, ओके। फिर एक और टैग लगा होगा यहाँ पर फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप एडिटिंग भी है, फोटो एडिटिंग भी है, लेकिन देखें ना ये इतना मज़ा नहीं ना आ रहा, ये टैग चेंज होने चाहिए थे। हम एक और काम करते हैं, हम किसी और बंदे का भी ऑप्शन चेक करके देख सकते हैं, इस बंदे को चेक करके देखते हैं, ये भी लेवल 2 का सेलर है लेकिन इसको ऑर्डर कम मिले हैं, ठीक है। इस बंदे की गिग को ओपन कर लेते हैं, इसके टैग्स चेक करते हैं, इस गिग पे इसने ये वाली गिग पे, इसको गिग को ओपन करना पड़ेगा ना, और ये बंद कर देते हैं, इसी पे देखना है कि इसने क्या लगाया हुआ है, ठीक है। इसने कहा कि आई विल डू रिप्लेस बैकग्राउंड कट आउट ट्रांस जो है ना ट्रांसपेरेंट ASAP, ठीक है, ASAP। अच्छा यहाँ पे हमने तो वो नहीं ना देखना, हमने ये देखना है, एक मिनट रुके, वो ये वाली है कि इसने सर्च में क्या लगाया हुआ है, ठीक है ना, टैग्स देखने हैं। इसके टैग्स देखें यहाँ पर शो हो जाएंगे, अभी ये रहे, दो ही टैग लगाए हुए हैं, फोटो एडिट कट आउट, इसी वजह से आप देखेंगे इसको ऑर्डर इतने खास नहीं मिले होंगे, 193 ऑर्डर हैं, इसे दो ही टैग लगाए हो, ये दो ही सर्विस प्रोवाइड करके दे रहा है बस, कट आउट और आउट, बस यही चीज़ें, ठीक है ना। हम तो ग्राफिक्स से रिलेटेड है, यहाँ पर आप एक और इसी में ही फिर वो जो फोटो एडिटिंग है वही लगा देते हैं हम, ठीक है, फोटोशॉप एडिटिंग या फोटो एडिटिंग, देखे ना ये वो आप समझ लें कीवर्ड है जो लोग सर्च करते हैं, बेसिकली ये एक कीवर्ड है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फोटोशॉप एडिटिंग, तो देखें इससे रिलेटेड ये चीज़ें आ गई। इसी तरह फाइबर में जाकर जब सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड कीवर्ड से रिलेटेड वो आ जाती हैं फ्रंट पे, सर्विसेज आ जाती हैं लोगों की। देखें फोटो एडिटिंग में भी हो सकता है ये कीवर्ड ज़्यादा यूज़ होने वाला हो, तो हम इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ओके। फिर यहाँ पे एंटर कर दें,
ये पांच से ज्यादा नहीं दे सकते, फाइव टैग मैक्सिमम, यूज लेटर एंड नंबर ओनली। आगे लिखने की कोशिश करेंगे, नहीं लिखता क्योंकि मजीद ऑप्शन नहीं है, पांच आप ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जो ओवरव्यू है ना ऑप्शन, ये कंप्लीट हो गई है, यही फीडिंग करनी है आपने, ओके। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। फीड होने के बाद सेव और कंटिन्यू किया हम, तो हम नेक्स्ट टैब में अब पहुंचने वाले हैं। चले गए नेक्स्ट टैग पे, नेक्स्ट टैब है प्राइसिंग का। यहीं पर अब जो है ना बात हो रही है कि प्राइसिंग क्या होती है। अब जो ये सेलर है ना जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, इसके बेसिक लेवल पे देखा जाए ना, तो ये जो लेडी है ये पाँच दिन में डिलीवरी कर रही है और दो रिविजन ले रही है बेसिक की, एक इमेज हाई रेजोल्यूशन बना के दे रही है, और क्या दे क्या रही है देखें, बैकग्राउंड रिमूव एंड इमेज रीसाइज ओनली, नोट डिटेल रिमूव लाइक अ हेयर ग्रास और वन एडिटिंग ओनली प्लीज। ये इसने बता दिया, यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव कर रही है, इमेज को रीसाइज करके दे रही है सिर्फ, इसमें डिटेल रिमूव नहीं करेगी, जिसमें लाइक अ हेयर बाल वगैरह होंगे और ग्रास घास वगैरह होगी, ये रिमूव नहीं करके दिया जाएगा। वन एडिटिंग ओनली प्लीज, एक ही एडिटिंग की जाएगी, एक से ज्यादा नहीं, सही है। इमेज एक ही होगी, हाई रेजोल्यूटेड कमर्शियल यूज, लेकिन उसकी डिलीवरी टाइम क्या है, 5 डेज। इसी तरह स्टैंडर्ड में आ जाएं और फिर प्राइस भी बताइए उसने, ये $5 है। हम एक और चीज कहते हैं यहाँ पर, आप देखिए प्राइसेस हमारी रुपीज में आ रही है, जो कि अच्छी चीज नहीं, तो हम क्या करते हैं, डॉलर में शिफ्ट करना है। आप यहाँ पर आके रुपीज PKR है, ठीक है, PKR पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो PKR पे क्लिक किया हुआ है ना, यहीं पर आप $ पे क्लिक कर दें, करेंसी सारी डॉलर्स में आ जाएंगी, ओके। मतलब पहले हमें प्राइस यहाँ पर शो हो रही थी रुपीज, पाकिस्तानी रुपीज में, लेकिन जैसे ही मैंने सेटिंग में जाकर कंट्री जो करेंसी है वो डॉलर्स में शिफ्ट की, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारी ये जो सर्विस है ये $5 है, ठीक है। $5 वाली सर्विस बैकग्राउंड रिमूवर बेसिक जो है, इसमें बैकग्राउंड रिमूव एंड इमेज रीसाइज, ये दो ऑप्शन दे रही, मतलब हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम एक और काम करते हैं, इस बंदे को चेक करके देखते हैं, रिप्लेस एन अदर बैकग्राउंड वगैरह, एक काम और करते हैं, वापस आते हैं बैकग्राउंड रिमूवर से रिलेटेड किसी और बंदे की गिग चेक करके प्राइसेस चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कट आउट बैकग्राउंड रिमूव, इसके पास भी ऑप्शन है, ठीक है ना, इसको ओपन करते हैं गिग को, इसकी सर्विस देखें $10। अब पता क्या चक्कर है, ये level 2 का सेलर है अभी। अब आपको मशवरा देता हूँ कि आपने कहाँ जाना है, देखें सर्च में गए थे हम, ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, सर्च में गए हैं हम, यहाँ पे ये सर्च में हमें शो हो रहे हैं लोग, तो यहाँ पे एक चीज़ शो हो रही है, वो दिखा देता हूँ आपको, वापस जा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जब सर्च किया था ना, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सर्विस में हमने बैकग्राउंड रिमूवर तो चूज कर ली है, ओके। सेलर डिटेल नहीं बताई हमने, हमें चाहिए यहाँ पे level 1 या न्यू सेलर, हम एज अ न्यू सेलर देखना चाह रहे हैं, अप्लाई कर दें, ओके। तो अब न्यू सेलर से रिलेटेड आ जाएगा। बजट देखना चाह रहे हैं तो आप बजट में जाकर लिख सकते हैं, मिनिमम आपका जो बजट है वो $5 या इतना है, तो वो आप यहाँ पर वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बजट वाले पे क्लिक किया, एनी मिनिमम टू मैक्सिमम $5 to $10 $20 कितनी रेंज में आपने काम करवाना है वो यहाँ पे लिखा जाता है, ये बायर के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अभी देखना चाह रहे हैं ना, हम भी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि बायर काम करवाता है अगर $5 to $10 में, तो काम कैसा और कितना करके देना चाहिए या दिया जाएगा। फिर डिलीवरी टाइम आ जाता है 24 आवर्स एक्सप्रेस, ठीक है, हम जो है ना अप टू 3 डेज, हम 2 डेज तक का काम होगा हमारा, 24 आवर्स भी होगा, अगर उससे ऊपर जाएगा तो 3 दिन भी हो सके, 2 दिन भी हो सकेंगे मैक्सिमम, इसको हम नहीं चूज करते, ठीक है। ये दो चीज़ें देखते हैं, और अब देखते हैं कौन कौन सी गिग आ रही है, देखें ये बिफोर और ये आफ्टर, उसने क्या किया, इसका ये ग्रीन कलर बैकग्राउंड चेंज करके ये बना दिया, क्योंकि ये बैकग्राउंड चेंज करने वाला बंदा है। इस तरह की इमेजेस आपने लगानी है, सिंपल लगा दें कोई मसला नहीं है, ज्यादा डिटेल उसमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। देखें इसकी ये फर्स्ट गिग इमेज थी, सेकंड गिग इमेज देखते हैं, अभी ये लोड हो रहा है थोड़ा सा, सर्च हो जाता है, ठीक है। आई थिंक ना बारिश की वजह से नेटवर्क भी कुछ, या मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर से। इसकी सेकंड गिग इमेज चेक करें, तो आप ऐसी इमेज लगाएं ज़्यादा बेस्ट है। आप बैकग्राउंड रिमूवर से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन है कि आप एक इमेज लगाएं जिसका बैकग्राउंड है और उसको रिमूव करके बता दें। ये $5 है इसके, ठीक है।
नेक्स्ट देखें, ये देखें, इस तरह इसने क्लाइंट के लिए जो काम करके दिया है वो भी आगे बताएगा यहाँ पर, ये देखें, ठीक है। ये बैकग्राउंड चेंज किए हुए हैं इधर, तो इसलिए ये वाटरमार्क पीछे जो है ना वो फाइवर की तरफ से वाटरमार्क भी लगा हुआ है कि ये इसने क्लाइंट को करके दिया है। इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा, इसने रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये सारा काम इस बंदे ने करके दिया है। और ये कह रहे हैं 5 इमेजेस बैकग्राउंड रिमूवल हाई क्वालिटी एडिटिंग प्लस जेपेक की फाइल दे रहा है प्लस पीएनजी फाइल, ये एक लेडी है ठीक है ना, दे रही है, और पीएसडी अनलिमिटेड रिवीजन प्रायोरिटी सपोर्ट भी साथ है। लेकिन एक इशू है ना यहाँ पे, हम क्या कह रहे हैं, हमें क्या करके देना, हम 5 इमेजेस बैकग्राउंड रिमूव करके देंगे, ठीक है, हाई क्वालिटी एडिटिंग भी, जेपेक भी, पीएनजी और पीएसडी फाइल नहीं देंगे हम। मिसाल दे रहा हूँ, हम यहाँ तक रख के कॉपी कर लेते हैं, हम पीएसडी फाइल नहीं देंगे, $5 में पीएसडी फाइल हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। अच्छा, अब यहाँ पे पैकेजेस पहले लिखने हैं, आपने प्राइस लिख रहे हैं ना, पहले आ जाएगा आपका बेसिक, दूसरा आ जाएगा स्टैंडर्ड। तो एक मिनट रुके, मुझे ना ये देखना पड़ना है कि छोटे बड़े क्यों हो गए, कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ, ये भी कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी चलता है, बहुत ज्यादा काम ही कॉपी पेस्ट है मोस्टली, ओके। अब यहाँ पे वो डिटेल चाहिए है, फिर से वापस जाते हैं उस बंदे ने यहाँ पे जो लेडी ने लिखा हुआ, ये कहीं, ये देखे ना, ये भी अच्छी चीज है, सिंपल सॉरी सिंपल ये लिख लेते हैं, बल्कि हम सिंपल 20 इमेजेस बैकग्राउंड रिमूवल और पीएनजी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, बस ये प्रोवाइड करना है। आप 20 इमेजेस एक दिन में बना के दे सकते हैं या 5 या 10, वो आप पे डिपेंड करता है। ये लगा लें आप, यहाँ पर सर्विस लिखें आप, या डिस्क्रिप्शन में ये दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं या 30 दे सकते हैं, या आप लिखें अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है तो 10, आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब डिलीवरी आपको 24 आवर 1 डे में देनी पड़ेगी। रिविजन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने दे सकते हैं इसके अंदर, आप देखते हैं उस बंदे ने कितने लिखे हैं। इसने रिविजन लिखे हुए हैं अनलिमिटेड इमेजेस हाई रेजोल्यूशन, ये कमर्शियल यूज अनलिमिटेड रिविजन्स, रिविजन वो कह रहा है अनलिमिटेड है, 15 इमेजेस एडिट कर रहा है, ये वो वाला बंदा है, वो कोई और था, तो जिसके बारे में भी हमने देखा है वो कौन सा है, वो ये है, 3 रिविजन्स दे रहा है। देखें इस बंदे ने काम किया है, इसको ऑर्डर भी सिर्फ 20 मिले हैं, क्यों मिले हैं, क्योंकि इसने थोड़ा सा काम सख्त रखा हुआ है, काम में रिविजन्स कम दे रहा है, ये चीज़ें करके दे रहा है, लेकिन काम देखे ना, ये उस हिसाब से करके, ये भी एक लेडी है करके दे रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखें, इसकी गिग अच्छी बनी हुई है, ठीक है, 1 डे डिलीवरी है, 24 आवर्स, 3 रिविजन्स आप दें, बस 3 काफ़ी हैं, आप काम कम करके दे सकते हैं क्योंकि अभी आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, 3 रिविजन्स दे दें। इमेजेस आप उसको कितनी बना के देंगे, ये अब यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट सेलर पे ऊपर, हम पहले कहते हैं कंटिन्यू के ऊपर, ये $10 ले रही है, हम $5 लिखेंगे, हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल है। यहाँ पे देखें, हमने सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करना और पीएनजी बना के देनी है जस्ट, ठीक है। और यहाँ देखें, एक इमेज $10 की करके दे रही है ये, अगर ये 1 से 2 हो जाएंगी तो $20 विद, इसमें सर्विस चार्जेस देखें अभी 3.10 है, सर्विस चार्जेस बढ़ते जाएंगे, फाइवर के भी चार्जेस इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना, ये देखें 4 देखें, ये इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है ना, फाइवर चार्जेस होते हैं, सारा कुछ आ जाता है। आपने अमाउंट यहाँ पे वो लिखनी है जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें फाइवर के चार्जेस इंक्लूड नहीं है, फाइवर के चार्जेस इसमें फाइवर की तरफ से इंक्लूड हो जाएंगे खुद ही, ठीक है। तो 3 हो गए, आप इमेज कितनी बना के देंगे, अभी जो यहाँ पे बताया जा रहा है ना वो नंबर ऑफ इमेजेस आपको बताई गई हैं कि 10 आप एक दिन में करके दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सोर्स फाइल आपने प्रोवाइड नहीं करनी, ठीक है, बेसिक में $5 में हरगिज नहीं। हाई रेजोल्यूशन इमेज मिलेगी, सोर्स फाइल नहीं मिलेगी, कमर्शियल यूज़ भी नहीं होगी, प्राइस जस्ट $5, ओके। नेक्स्ट आते हैं, आप इतना काम करना बस आपने, कुछ नहीं करना और इसके अंदर ऐड करना, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा बाकी चीज़ें कहाँ जाती हैं। सोर्स फाइल नहीं देनी, सोर्स फाइल आप देंगे स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में। ये सोर्स फाइल लाइक अ पीएसडी फाइल, फोटोशॉप की फाइल वो बोलते हैं सोर्स फाइल, ओके। तो हाई रेजोल्यूशन के बाद मैं बता देता हूँ ना, कमर्शियल यूज में भी हमने सिर्फ जो है ना, यहाँ पे कमर्शियल यूज भी नहीं होगा हमारा, हम आ जाते हैं आप सोर्स फाइल इन दोनों में देते हैं, ये हाई रेजोल्यूशन फाइल तो देनी है ना हमने। नंबर ऑफ इमेजेस, अगर आप बेसिक की बात करें तो 10 इमेजेस, अगर आप स्टैंडर्ड की बात करें कितनी इमेजेस दे सकते हैं, तो पहले इस क्लाइंट को देखते हैं ये क्या दे रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, इसी जगह पे वापस आते हैं कि इसका स्टैंडर्ड पैकेज क्या है,
स्टैंडर्ड में $20, हम $10 लेंगे, और ये सिंपल 40 इमेजेस हैं, इसमें कितनी है 20, तो कितनी हो जाएंगी डबल, और टाइम भी 2 डेज। तो यहाँ पर वापस आ जाएं, आप कहें ये सिंपल 10 इमेजेस थी, वो भी सिंपल ही इमेजेस, वो सारी इमेजेस कौन सी तैयार करनी है हमने, सिंपल। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लेके पेस्ट करते हैं, और इमेजेस को बढ़ा के कितने करते हैं 20, डिलीवरीज हो जाएगी हमारी 2 डेज में। ओके, सिलेक्ट रिविजन्स देखनी है, इसने कितनी दी है 7 रिविजन्स, इतनी ही हमने देनी है, ठीक है ना। आप थोड़ी ज़्यादा कर दें, साथ में तो ऐड कर दें, 7 रिविजन्स बेस्ट है। ये क्या होती है भला, 7 रिविजन्स क्या है? रिविजन ये चीज़ होती है कि अगर क्लाइंट को अपने काम करके दिया, क्लाइंट कहता है नहीं मुझे थोड़ी सी चेंजेस करवानी है, तो 3 रिविजन में वो 3 बार चेंजेस करवा सकता है, नेक्स्ट चेंजेस जब भी करवाएगा उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, सही है। तो 7 रिविजन्स होंगी बस, ये 20 तस्वीरें हैं, 20 इमेजेस में, कोई ऐसी इमेजेस हो सकती हैं, 7 इमेजेस भी हो सकती हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा काम करवाना चाहे वो तो करवा सकता है, या वो जो भी होगा वो 7 टाइम्स तक वो चेंजेस करवा सकता है, 7 टाइम में 7 बार, उसके बाद नहीं। ओके, इमेजेस कितनी बना के दे रहे हैं आप, पहले आप 10 बना रहे थे, अब आप बनाएंगे 20, उसके बाद ये सारा कुछ ओके, आपने उसकी डबल प्राइस लगानी है $10। ओके, तो $5 के हिसाब से 10 इमेजेस वो एक दिन में तैयार कर सकते हैं, यानी कितने हो गए, इसकी अमाउंट बनेगी $50। ये 2 दिनों में 20 इमेजेस बना के देगा $10 पर इमेज के हिसाब से, $10 पर इमेज है, एक इमेज की कीमत $10 है, 20 की इमेजेस बनाने की कीमत इतनी नहीं है, ठीक हो गया, वो ओवरऑल की नहीं बता रहा, पर इमेजेस रेट होता है इसका। उसके बाद आते हैं प्रीमियम में, ये देखें इसके लिए कमर्शियल यूज़ दे रहा है, वो कमर्शियल इसके लिए भी दे रहा है, लेकिन देखें सोर्स फाइल नहीं दे रहा, हम भी कमर्शियल लगा देते हैं, ठीक है कमर्शियल यूज़ हम भी टिक कर लेते हैं, इसका कोई चक्कर नहीं है खास। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कमर्शियल यूज़ क्या, देखें लाइसेंस फॉर प्रॉफिट बिजनेस यूज़, वो अपने प्रॉफिट में आप बिजनेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वो उस इमेज को। देखिए जो क्लाइंट अपनी इमेज दे रहा है वो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, कोई और बंदा उसको कॉपी पेस्ट करेगा उसके लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं, बल्कि कॉपीराइट, ठीक है, उस क्लाइंट के लिए कि वो जो भी इमेज देगा उसके लिए प्रॉफिटेबल है, मैं खुद बना के दूंगा वो नहीं, मेरी तरफ से जो भी होंगी मैं गूगल से भी यूज़ कर सकता हूँ मुख्तलिफ भी, तो फिर वो मुझे बताना पड़ेगा ये कमर्शियल यूज़ कर सकता है कि नहीं, क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि वो कौन सी इमेज को कमर्शियल यूज़ कर सकता है, जो खुद बाय सेल्फ मेड बनाई गई होगी वो कमर्शियल यूज़ हो सकती है, जो गूगल से उठा के और उसी को पॉलिश करके दिया जाएगा वो कॉपीराइट आ जाए, तो क्लाइंट को बताना है कि ये इमेज आप कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते, ये गूगल में मौजूद है, फलां बंदे की इमेज है, ये है वो है, समझ गए, ये कमर्शियल यूज़ होती है। हाई रेजोल्यूशन तो हमें पता ही है इमेज का, ठीक है ना, जिसमें 300 dots per inch DPI रेजोल्यूशन होती है, ठीक है, सोर्स फाइल का पता है आपको, PSD फाइल लाइक जो ही जो यूज़ कर रहे हैं, जो इलस्ट्रेटर पे आएंगे तो .ai, और इमेजेस यहाँ पे हमने बता दिए हैं नंबर ऑफ इमेजेस कितनी। ओके, अब आ जाते हैं, ये हमारे 2 काम हो गए, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर प्रीमियम में, तो यहाँ पर वो 100 इमेजेस बना के दे रही है, और 3 दिन में, कितना काम है, 3 दिन में 100 इमेजेस बन जाती हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। इसकी इमेजेस भी देखनी है अभी हमने, ऐसे देखें बिल्कुल सिंपल इमेज, बैकग्राउंड चेंज किया है, यहाँ देखें बिल्कुल सिंपल इमेज है, ओके, यहाँ पर देखें बिल्कुल सिंपल इमेज है, इसमें ज़्यादा वो काम नहीं, तो इसने ये काम करके देना है, ठीक है, इतनी प्राइस में। तो अगर इमेज आपकी ख़राब होती गई, मतलब जिससे कहते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई, तो वो रेट इस पर अलाउ नहीं होगा, इसने जो इमेजेस बता दी है ना ये सिर्फ रेट, अब क्लाइंट की तरफ से जो काम करके दिए वो देखें, ये काम करके दिया बिल्कुल सिंपल इमेज, ये देखें ये बैकग्राउंड काटा हुआ है और ये बैकग्राउंड चेंज भी किया गया है, सही है, ये देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है, ये इसका, ये सारे प्रोडक्ट जो भी मतलब आपको इमेजेस मिल रही है ना ये बैकग्राउंड रिमूव किए हैं क्लाइंट, सही हो गया। अच्छा आप वापस आते हैं बेसिक पर, प्रीमियम है वो $50 चार्ज कर रही है, इस पर कितने 20, और ये जो ये इमेज होगी ना इस इमेज में हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन वगैरह हर चीज़ मेंशन होगी, इसमें देखें कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन ये है सिंपल इमेज तो होगी, मगर उसमें साथ ही उसने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और हाई क्वालिटी रिजल्ट भी देना है, हाई क्वालिटी रिजल्ट। यहाँ पे आते हैं और प्रीमियम में, यहाँ पे जाके हमारी इमेजेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिखी गई हैं, हम कितनी बना देंगे 30 करेंगे, हम अपने हिसाब से
10-10, क्योंकि आपको 3 दिन मिलेंगे ना, तो अब 3 दिन में आपने डिलीवरी करनी है, आपने रिविजन्स कितनी देनी है, अनलिमिटेड। जो प्रीमियम वर्क होता है ना उसमें अनलिमिटेड होती है, देखते हैं रिविजन्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड। उसके बाद अनलिमिटेड है सोर्स फाइल और सब कुछ आपने प्रोवाइड करके देना है, क्योंकि क्लाइंट इस वक्त फुल प्रीमियम पोजिशन में है, अगर वहाँ पर भी उसको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कितनी इमेजेस बना के देगा, 30 इमेजेस, ठीक हो गया। उसके बाद ये काम हो गया, नेक्स्ट आप देखें सोर्स फाइल्स में होगी, ओके $30 हमने लिख दिया है, ठीक हो गया, तो 40 भी लिख सकते हैं, वो चक्कर नहीं है हमारा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आता है बेसिक, अब बेसिक काम कितने दिनों में करके दे रहा है, 1 दिन में, तो बेसिक डिलीवरी एक्स्ट्रा टाइम कोई चक्कर नहीं है। हाँ ये 1 दिन में, 2 दिन का काम 1 दिन में करना है, हमें $5 और दे दो, ठीक है। और प्रीमियम वाला काम अगर 1 दिन में करना है तो हमें $10 दो, 3 दिन का काम 1 दिन में करने के लिए $10 मजीद चाहिए, 10 तो बहुत थोड़े होंगे, सही है ना, काम बहुत ज़्यादा, $20 लें अपने काम के लिहाज से। और 2 दिन में किया जाने वाला काम 1 दिन में करना है तो $5 एक्स्ट्रा चाहिए, तो 3 दिन का काम 1 दिन में करने के लिए $10 चाहिए, 2 दिन में करके देंगे तो फिर 10 कर लें, वो आपका हिसाब से। एडिशनल रिवीजन मजीद फॉर एक्स्ट्रा, ठीक है ना, पर डे आपको मतलब कितने लेंगे आप, $5 और लेंगे और 1 दिन की रिवीजन एड एडिशनल आपको 1 दिन भी चाहिए एडिशनल रिवीजन पे। 3 रिवीजन थी, 4 मांग रहा है, एक और बार उसने कहा चेंज करके दो, $5 और दोगा देगा 1 दिन के लिए, वो भी काम 1 दिन के अंदर मिलेगा, फिर 24 आवर्स में मिलेगा, उसी वक्त नहीं मिलेगा 24 घंटे में मिलेगा। एडिशनल इमेज, मजीद एडिशनल इमेज आप सिलेक्ट करते हैं, इसमें $5 कर लेते हैं, $5 बल्कि हमारी एक इमेज का प्राइस है हमारी $5 ही है बेसिक वाली, तो एन एडिशनल उसके लिए भी हमें अगर एक और इमेज दे देगा तो $5 चाहिए और 1 दिन भी चाहिए, ठीक है। सोर्स फाइल अगर चाहिए है फर्स्ट वाले के लिए तो $5 और दे दो, $10 में उसको सोर्स फाइल भी मिल जाएगी, समझ आई। जैसे कि बेसिक पैकेज $5 में हम उसको 3 रिवीजन करते हुए जो इमेज एक प्रोवाइड करके दे रहे हैं 10 इमेज बना के दे सकते हैं। अगर वो यहाँ पर कहता है 11 इमेज बनानी है $5 देगा और एक और ऐड हो जाएगा $5। अगर वो कहता है कि मुझे 3 की बजाय 4 रिविजन चाहिए हैं, एक और रिविजन बन गई उसकी खराब हो गया, काम नहीं सही हो रहा उसको, मतलब वो सेटिस्फाई करने के लिए एक और 4 करना खुद से, तो $5 और देगा। अगर वो कहता है कि इमेज 10 से 11 होनी है तो उसके लिए $5 एक्स्ट्रा हो जाएंगे 1 दिन में करने के लिए, सही है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद स्टॉक फोटो करने की कोई जरूरत नहीं, ऐड गिग कुछ नहीं, सेव कर दें बस इसको, ऐड एक्स्ट्रा अभी कुछ नहीं, बेसिक बना रहे हैं अभी गिग, अभी गिग बना रहे हैं तो गिग में बड़ा काम है, अभी थोड़ा सा काम नहीं है। अब डिस्क्रिप्शन में आ गए, अब क्लाइंट क्या क्या करके दे सकता है, जो हमारा सेलर है तो क्लाइंट को बता रहा है सेलर कि मैं ये आपके लिए कर सकता हूँ। क्लाइंट चाहता है कि सेलर मुझे बताए वो क्या उसकी अंदर एबिलिटीज है, मैं क्यों उसको ऑर्डर दूँ। तो यहाँ पर अब हमें वही चीज़ इसके लिए डिस्कस करनी है, वो अबाउट में जाता है, आई विल कट आउट इमेज बैकग्राउंड रिमूव प्रोफेशनली, बट ये मैं कॉपी जरूर कर रहा हूँ मगर मुझे क्या चाहिए वो यहाँ से एडिट भी होगा, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आके यहाँ पे जाके पेस्ट किया, आई विल प्रोफेशनली रिमूव द बैकग्राउंड इमेजेस, हम बदल रहे हैं ना इसको, आई विल यहाँ से इसको पकड़ के कट किया और आई विल यहाँ पे रख के पेस्ट, आई विल प्रोफेशनली इमेज बैकग्राउंड रिमूव, बदल दिया ना हमने कौन, इसको सिलेक्ट करना है, पहले एंटर कर लें एक लाइन बन जाए, इसको सिलेक्ट किया हाईलाइट कर दें, यहाँ पे ऑप्शंस है ना, नेक्स्ट लाइन में आ गए, फिर से गए, उसने आगे लिखा है कट आउट फोटो और अ बैकग्राउंड रिमूवल, कट आउट नहीं हमने, फोटो बैकग्राउंड रिमूवल इज वेरी डिमांडेबल वगैरह वगैरह, उसने बड़ा कुछ लिख दिया, प्लीज प्रोवाइड हाई क्वालिटी, हम ये कहेंगे माई सर्विसेज, मैं यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं लिख रहा, आई एम एन एक्सपर्ट जो है ना बैकग्राउंड रिमूवल, हम अपनी वर्डिंग को लिख रहे हैं यहाँ पे, कोशिश कर रहे हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ आप अच्छी वर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉपी किया इतना टेक्स्ट, मैं बिल्कुल खूब खूब नहीं ना लिखना चाह रहा, यहाँ पे पेस्ट किया, आई एम एन एक्सपर्ट बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवल एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इमेजेस बट विल बी अप इन सम केसेस, इफ यू जज माई वर्क क्वालिटी यू कैन जस्ट ऑर्डर मी, बिलीव मी यू विल बी सेटिस्फाइड इन माई जॉब क्वालिफाई, मतलब क्वालिटी जो भी है, उसने अपने बारे में बता दिया,
ठीक है, अब हम सर्विसेज ढूंढेंगे। मैंने वैसा तो नहीं लिखा, थोड़ा काट कूट दिया बीच में से, ये आ गया प्लीज प्रोवाइड हाई क्वालिटी इमेज फॉर एक्सीलेंट रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं ना आपको अच्छा रिजल्ट मिले, तो ये नोट बहुत बेहतरीन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या बोला कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी वाला मिले, तो अच्छा रिजल्ट मिले, तो आप हमें हाई क्वालिटी इमेज सेंड करें। वो जो आप गूगल से स्प्लैश से ढूंढते हैं और गूगल से मिल लेते हैं, दोनों में कितना फर्क है, तो यही वो यहाँ पे बता रहा है। अब मैं सर्विस क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ इसके अंदर, ये भी मैं इसमें कटिंग करूंगा। मैं अब आपको बताता हूँ हम अपनी सर्विसेज लिखेंगे। ये पेस्ट करने का मकसद ये नहीं है कि जो आ गया है वही लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करूंगा कि मेरे पास क्या क्या सर्विस हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर सर्विस जो आ रही है ना, वो यहाँ पर देखें बैकग्राउंड रिमूवल है, ये वाइट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ये क्लिपिंग, ये वाला हमारा नहीं है, ठीक है। हेयर मास्किंग, इमेज मास्किंग, ये भी नहीं अभी तक नहीं ना किया हमने। अभी हम वाइट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यही कर रहे हैं बस, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर नेचुरल शेडो भी देंगे, रिफ्लेक्शन शेडो, ड्रॉप शेडो, सब कुछ करेंगे, फोटो एडिटिंग भी करेंगे, इमेज रिसाइज भी करना है, मैं आपको बता दूंगा सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर ये आ जाएगा आपका, एक मिनट रुके कैप्स लॉक ऑफ कर दूं, रेड आईज इफेक्ट आ जाएगा रिमूवल, ठीक है ना। जो काम आपने किया है ना, रेड आईज इफेक्ट इफेक्ट रिमूवल आ जाएगा, ये शिफ्ट का बटन कुछ कर रहा है, ठीक है, रेड आईज इफेक्ट रिमूवल आ जाएगा। उसके बाद आपके पास इसके अंदर एक चीज और है जो आप कर रहे हैं इसके अंदर, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुके, ये असल में ना वो लगा रहा है, देखिए बुलेट्स लगा रहा है यहाँ पे, बुलेटिन नहीं लगा रहे हम यहाँ पे, तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर लें अगर ज़्यादा इशू आता है तो, ठीक है। फिर इसको चूज कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर रहे हैं फेस रीटचिंग, ठीक है, छोटा ही लिख देते हैं, ठीक है। वैसे तो ये गिग जो बनाई गई है ये बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड है, इतना कर लिया हमने, हमने भी काफ़ी लिख दिया है। रीटचिंग में RTOU है, ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से एंटर किया, नेक्स्ट लाइन में आ गए, फिर से जाते हैं, अब देखते हैं उसने लिखा है माई बेनिफिट्स, ये तो हमें देना ही पड़ेंगे ना, यही लिख देंगे, ठीक है ना। अफोर्डेबल प्राइस है, 100% क्वालिटी मिलेगी और फर्स्ट डिलीवरी, कॉपी किया, यहाँ पे जाके अपने पेस्ट करना है, एक थोड़ा सा चेंजेस करनी है ऐसी कि इसको कट करके यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर दें, यानी थोड़ा थोड़ा हमने ऊपर नीचे करके डिफरेंट लेके आना है इसको, ठीक है। और एक काम, यहाँ पर हमने ये जो हाईलाइट किया ना, माई सर्विसेज को भी पकड़ के हाईलाइट कर देते हैं, हमारी सर्विसेज क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बेनिफिट्स जो हैं वो, उसको हाईलाइट कर दिया, ओके, तो ठीक हो गया। यहाँ पे एंटर किया हुआ है ना, यहाँ रख के भी एक एंटर करना है, ठीक है, खुला खुला लिख रहे हैं ना। अच्छा, फिर वापस चलते हैं, मैं देखता हूँ अभी इसका हल भी। लेट्स स्टार्ट ऑर्डर जज माई वर्क डन क्विकली एंड 100% क्वालिटी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, ये नोट ले लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी नोट है, ये बता दूँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्लीज नोट फॉर कॉम्प्लेक्स इमेजेस प्लीज मैसेज मी इनबॉक्स बिफोर ऑर्डर। अगर कॉम्प्लेक्स इमेजेस हैं और आप उसका ऑर्डर देना चाह रहे हैं, तो पहले मुझे मैसेज जरूर करना है, ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि इमेजेस किस तरह की नोयत की हैं और क्या वो मैं आपके लिए कर सकता हूँ या नहीं, सही है, तो फिर ऑर्डर देना है आपने, ओके। नोट को भी हम हाईलाइट कर देते हैं और ये देखें थैंक्स एंड रिगार्ड, ये उसने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, थैंक्स एंड रिगार्ड भी लिख दिया है ना, अपने बारे में बता रहे हैं दोबारा से याद आने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना थैंक्स एंड रिगार्ड पंजाब टेक्निकल, मैं अपने हिसाब से, आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ठीक हो गया, यहाँ पे अपना नेम लिखना है आपने, फोटो एडिटर एंड रीटचिंग एक्सपर्ट, ये आपने यहाँ पे लिख दें, फोटो एडिटर लिख दें या फोटो, हाँ एडिटर ही होगा ना, जाहिर सी बात है, आप बंदे के बारे में बात हो रही है, अपनी उसने यहाँ पे नाम लिखा है, साथ अपनी स्किल्स बताई हैं, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ एटसेट्रा, ओके। ये काम था बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे होने वाला था। अब इसके बाद जब आप डिस्क्रिप्शन ब्रीफली थोड़ा दे देते हैं, फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आते हैं, अब ये क्वेश्चन भी इससे पूछते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये देखें ये जो लड़की है बांग्लादेश की रहने वाली है और एवरेज रिस्पॉन्स इसने ये बताया एक घंटा, लास्ट डिलीवरी इसने एक घंटे पहले की है, जब हम काम कर रहे हैं और ये डिलीवरीज कर रही हैं,
ऑर्डर डिलीवर कर रही है आगे, ठीक है ना। इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, इसकी क्वी में कितने ऑर्डर पड़े हुए हैं, इसने 20 ऑर्डर्स इससे रिलेटेड किए हैं, उसको जाके चेक करना पड़ेगा कितने ऑर्डर्स के हो चुके हैं। लेकिन एक घंटा पहले इसने लास्ट डिलीवरी की है, ये देखिए। ओके, ये जो है ना, इसने अपने बारे में भी लिखा हुआ है, 5 साल से इस फील्ड में और एक्सपर्ट है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं कुछ देखना चाह रहा था। ओके, ये देखें, सी मोर, ये रिव्यूज हैं जो इसको मिले हैं, ठीक है ना। लोगों ने इसके काम की तारीफ की है, ग्रेट, एवरीथिंग वाज अग्रीड, ठीक है ना, एज ग्रीड, ठीक है ना। अच्छा, ये वो यहाँ पर जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, अभी अगर आप नहीं प्रोवाइड कर सकते कोई बात नहीं है, लेकिन ये पता क्या होती है चीज़, ये क्वेश्चन होते हैं, FAQ होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो बार बार पूछने वाले, कैसे क्वेश्चन जो बार बार पूछता है क्लाइंट कि भाई आप ये मैं ऐसी इमेज ये कर देंगे, इस इमेज को करना है, कितने पैसे लेंगे, कितनी देर में करेंगे, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बायर की जो क्वेश्चंस होते हैं, वो यहाँ पर आपने बताने होते हैं। हम सेव एंड कंटिन्यू करके इसके अंदर एडिशनली चेंजेस करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं हमें, ठीक है। ये ऐड करना है आपने, गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम अ बायर टू गेट स्टार्टेड, ऐड क्वेश्चन टू हेल्प बायर प्रोवाइड यू विद एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू स्टार्ट वर्क ऑन देयर ऑर्डर। यहाँ पे उसको बायर के क्वेश्चन होता है रिक्वेस्ट, ये देखिए, नेसेसरी डिटेल्स सच एज डायमेंशन, ब्रांड, गाइडलाइन एंड मोर। यहाँ ये फ्री क्वेश्चन है जो क्लाइंट से आपने रिक्वायर्ड है, आपसे क्या पूछें कि अभी आपका काम कैसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि इसमें किसी ने इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया है होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें ही देखते हैं, बल्कि यहाँ पे ना कॉन्टेक्ट सेलर कंटिन्यू करते हैं, बस ऑर्डर जब देने लगेंगे ना, नीचे यहाँ देखे हैं FAQ में अपने बारे में ये पूछ रहे थे ना जब ऑर्डर में, तो ये देखें यहाँ पे एडिशनल रिवीजन, ये सारा कुछ मैं बता दी जो मैं आपको बता रहा था। अगर एक काम कर रहे हैं आप $50 में, ओके, जब आप एक ऑर्डर $50 में करेंगे, एक्स्ट्रा अगर आप एक दिन और दें लेना चाह रहे हैं तो $20 मजीद हो जाएगा बीच में ऐड, और अगर आप एडिशनल रिवीजन लेंगे एक दिन की तो $5 और ऐड हो रहे हैं, और उसमें भी अगर इमेजेस 1, 2, 3 बढ़ती जाएंगी तो डॉलर्स देखे कितने पैसे बनते जा रहे हैं, एक ही इमेज को करने में इतने पैसे बन रहे हैं, सही हो गया। ये सारी चीज़ें आपने, अच्छा जो क्वेश्चन था वो यहाँ भी नहीं है, ठीक है ना। वापस चलते हैं, इसी गिग के अंदर आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा वो क्वेश्चन, मैं ढूंढता हूँ, एक मिनट रुकें। वो ये होता है क्लाइंट रिकमेंडेड यू, ठीक है, फिलहाल तो मिल नहीं रहा, शो ओनली रिव्यूज, ठीक है, ये रिव्यूज के नीचे है, ये देखें यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है, एक मिनट, रिफ्रेश हो जाता है ना, ये देखें ये टैग्स आ गए। ओके, यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे, तो फिलहाल कोई नजर नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे ना, वो लेके नहीं जाएगा फिलहाल, इसको टेम्परेरी तौर पर, ये देखें ना, जब मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं तो वो सेव एंड कंटिन्यू नहीं करता ना, कहता है एटलीस्ट 1 रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने बारे में बता दें कि आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट तो है ना कम से कम। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, जो यहाँ पर इसने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा होगा ना उससे रिलेटेड बना देते हैं, बताता हूँ, ये देखें ये रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा जो हमने क्लाइंट को कहना है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स इमेजेस प्लीज मैसेज मी इनबॉक्स बिफोर ऑर्डर। ये क्लाइंट को बस कह देना है, ये क्वेश्चन है क्लाइंट से हमारा, रिक्वेस्ट टाइप समझ लें जो भी ऐड कर दिया हमने, ये है कि फॉर कॉम्प्लेक्स इमेज प्लीज मैसेज मी बिफोर इनबॉक्स बिफोर ऑर्डर। ऑर्डर से पहले भाई हमें बता जरूर देना कि आप हमें कॉम्प्लेक्स इमेज देने वाले, सही है, ये हमने एक मैसेज कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर इमेज आएगी, यहाँ पे हमने वो इमेज लगानी है जो बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड है, सही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम आ जाते हैं फोटोशॉप में, सही है। लेकिन यहाँ पर अभी आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर एक काम है, ये यहाँ पे देखिए, जैसे आप क्लिक करते हैं ना, इमेज का साइज यहाँ पे आ रहा है इसके लिए जो 550x370 पिक्सल, बहुत ही कम रेजोल्यूशन रखी गई, इसका हल क्या है, 550x370, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाएं, पेंट सर्च करें, ठीक है, पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन कर लें, 550x370, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और यहाँ पर आके रीसाइज में जाकर, पिक्सल्स में जाकर आप लिखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टली है 550,
ओके कर लिया, 370 आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको उठा के 370 तक लेके आए, नीचे देखें वो पिक्सल आपको बता रहे हैं। तो 370 बनेगा आपका यहाँ पे, ये लेके ये हो गिग का इमेज का साइज है। अब हम यहाँ पे जाके कह रहे हैं हमें 550 नहीं चाहिए, हमें पिक्सल ज्यादा चाहिए, तो 15 कर दें, या आप 1000 भी कर सकते हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना बनेगा बताइएगा आप, 1000 मल्टीप्लाई बाय 672 ये भी रखेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें आ जाए, इसी तरह रेजोल्यूशन वो भी बढ़ा सकते हैं। एक न्यू कैनवस ले लें, ठीक है, और उस न्यू कैनवस में आपने मतलब ये बताना है कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर, फिलहाल हमें एक टेम्परेरी एक इमेज लगा रहे हैं, आपने इमेज अच्छी बनानी है फिर लगानी है, ठीक है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह काम करेंगे। तो कितना आ रहा था, 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, उसको देख लेते हैं, पेंट में जाएं तो कितना है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 672, यहाँ पे जाके आपने लिखना है 672, ठीक है। और रेजोल्यूशन आपकी होनी चाहिए 300, ठीक हो गया। आज भी कलर में रखते हुए क्रिएट करें, एक न्यू कैनवस क्रिएट हो चुका है, ये गिग इमेज का साइज है। गिग इमेज लगाते हुए जब आप ये काम करेंगे तो आपको बॉर्डर में जगह छोड़नी है, जब आपकी इमेज प्रीव्यू हो रही होती है तो वो बॉर्डर कट जाता है, इसलिए बॉर्डर छोड़ना है आपको। अब यहाँ पर इमेजेस चाहिए हैं, तो बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई इमेज यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ, ठीक है, और वो इमेज यहाँ पे लाके मुझे लगानी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पर कुछ डाटा अगर पड़ा हुआ है तो वहाँ से मैं इमेजेस लूँगा बैकग्राउंड रिमूवल के, ठीक है। तो एक मिनट रुकें, मुझे देख लेने दें, यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं मेरे पास बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड, ये देखें, ठीक है, ये इमेज जो है ना हम चूज़ कर लेते हैं। इन दोनों इमेजेस को एक एक करके लेके जाना है, पहले आपने फर्स्ट इमेज लेके जाना है फोटोशॉप में, यहाँ पर जाके प्लेस कर दें, ओके, ये देखिए आ जाती है, एक मिनट रुकें, क्यों नहीं अभी तक आई, अभी वर्क कर रहा है, ठीक है, आ जाती है थोड़ी देर में, लोड हो रही है, ओके, एक इमेज आ चुकी है। इस इमेज को यहाँ पे टिक कर दिया मैंने, इस इमेज को सेट करना है हमने यहाँ पर। तो अब आप क्या करें इसको कि इसको सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल टी प्रेस करें, ट्रांसपोज में आ जाएगी, शिफ्ट आल्ट इसके साथ इसको रीसाइज करें। अब इमेज इतनी की शो करानी है कि हम सिर्फ अभी सिंपल वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशनली नहीं बना रहे, सिंपल सिर्फ एक इमेज लगाने का तरीका बता रहे हैं। गिग का साइज पता चल गया, इमेजेस बनाने के लिए हम सेपरेट वर्क करेंगे, एक इमेज आ गई है। अब आपने वो दूसरी इमेज लेके आनी है, ये वाली इमेज, इसको भी उठा के लेके जाएं, क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर रहे हम, तो फोटोशॉप में आ जाते हैं, इतना रुकेंगे, आई थिंक ये जो सॉफ्टवेयर आ गया ना फ्रंट पे, पेंट को ड्रॉप डाउन करते हैं, फोटोशॉप को ऑन करके, तो फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर, अब इमेज लेके जाते हैं, ठीक है, फोटोशॉप में, और यहाँ पर इसको प्लेस कर, देखें दोनों में साइज में फ़र्क है। पहले इस इमेज को उठाएं, इसके ऊपर जाके रखेंगे ना, ऐसे टच हो जाएगा, फिर शिफ्ट प्रेस करके जस्ट इसके एक एज को पकड़ते हुए रीसाइज करके यहाँ पर रखते हुए इसके बिल्कुल बराबर बना लें, वो उसके ऊपर एडजस्ट हो जाए, एंटर कर दें, दोनों इमेज एक साइज में आ गई हैं। सीध में लाने के लिए शिफ्ट प्रेस कर दें, साथ साथ आ गई। इसके बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं PNG लगी हुई है। अब ये आप जब करेंगे तो नहीं लगी होगी, उसकी क्या वजह है, उसके लिए मैं आपको एक हल बता देता हूँ। पहले इनको ग्रुप कर लिया दोनों को, फिर इनको कंट्रोल करके सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद सेंटर अलाइन करते हुए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किया, बिल्कुल सेंटर में लाके कंट्रोल डी कर, ओके। आपको अब इमेज क्या करनी है, आप देखें, आप आ जाएं गूगल में, सही है, जो इमेज आप लगाना चाह रहे हैं ना वो एक फेक इमेज है, तो आप गूगल में जाके यहाँ पे सर्च करें PNG, ठीक है, .jpeg, png.jpeg, खुद ब खुद PNG आपको एक पिक्चर की शक्ल में फेक इमेज मिलेगी। जाके आप इमेजेस में देखें, PNG ही आपको मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी, फेक इमेजेस में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने ऐसे मिलती प्रॉपरली तो आप यहाँ पर लिखें PNG ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये स्पेस में देखता हूँ, PNG ट्रांसपेरेंट, अगर आप JPEG इमेज देखेंगे ना तो बड़े आराम से आपको वो JPEG इमेज मिल जाएगी। इस इमेज को आपने ये वाली इमेज है, सॉरी वो नहीं, ये तो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये देखें इमेज, इस इमेज को डाउनलोड करें, इसको उठा के उसके नीचे जाके जैसे बैकग्राउंड चेंज करते हैं, लाइक अ बैकग्राउंड, आप उसको बिल्कुल बैकग्राउंड पे सेट करके उसके ऊपर वो इमेज रखते हैं, बैकग्राउंड चेंज की हुई वो इमेज बन जाएगी। मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही ये काम यहाँ पे किया हुआ है, जैसे कि इसके बैकग्राउंड को वाइट करके वो PNG बन गया।
अब उसके बैकग्राउंड चेंज करते हुए पीछे बैकग्राउंड में ये इमेज लगा दी। सिंपल आप ये काम कर सकते हैं, दोनों इमेजेस लग गई। नेक्स्ट आपका काम है टेक्स्ट का, टेक्स्ट को चूज करें, यहाँ पे जाके आपने टेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करेंगे टेक्स्ट की ऑप्शन आ जाएगी, ये आपका है, इसको सिलेक्ट करके लिखते हैं बिफोर, ठीक है। और एक और चीज, टेक्स्ट सिलेक्ट करके ना इसको लेफ्ट अलाइन करें ताकि ये मूव कर दाएं बाएं ना शिफ्ट होता रहे, ठीक है। और यहाँ से इसकी पॉइंट को कम करें, ये 64 पॉइंट है, पीटी पॉइंट है, ठीक है ना। तो कम करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें जितना आप दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, इट्स एनफ। ओके, टेक्स्ट साइड कलर वाइट में है, यहाँ से कलर चेंज होता है, टिक कर देंगे टेक्स्ट प्लेस हो जाएगा। उसके बाद वी प्रेस करें और इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर लें, नहीं करना, सिलेक्ट करके टेक्स्ट को भी पिक्चर को भी, और यहाँ पर एक अलाइनमेंट है सेंटर की, उससे सेंटर हो जाए। उसके बाद इसे टेक्स्ट के लिए को सिलेक्ट करके और आपने आल्ट प्रेस करते हुए इसकी कॉपी ले लें और आगे लेके जाएंगे ना, ऊपर नीचे जा रहे हैं तो शिफ्ट प्रेस कर दें, वहाँ पे जाके रख दें, पेस्ट हो जाएगी। और इसको भी सेंटर अलाइन करना है तो पहले इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट को इसको लिखें आफ्टर, ओके। और फिर सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को और इमेज को, ये बैकग्राउंड साथ ही है, सिलेक्ट करके बाद फिर से सेंटर अलाइन कर दें, बिल्कुल सेंटर में बिफोर एंड आफ्टर, ये इमेज तैयार हो गई। अभी आपको लगता है इमेज छोटी है, सिलेक्ट किया, इमेज ही सिलेक्ट हुई है, वाइट कैनवस सिलेक्ट नहीं हुआ, वो बैकग्राउंड है, तो कंट्रोल टी प्रेस करें, ये इस तरह से आ जाएगा। शिफ्ट आल्ट एक साइड से पकड़ते हुए इसको जूम करके इतना के एडजस्ट करें कि कैनवस में ये शो हो, ओके। फिर अगर आप चाहें टेक्स्ट लिखना है कि कोई और काम करना है वो भी आप कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल टी कर लें, इसको शिफ्ट आल्ट के साथ मैं एक थोड़ा सा और काम करने का, थोड़ा छोटा कर लें, इसको सेंट्रल लाइन की बजाय नीचे रख के, इतना के रख के ना, ये देखिए इधर रखते हुए एंटर कर दें। उसके बाद ऊपर एक टेक्स्ट और लिख लें, यहाँ पर लिख दें बैकग्राउंड रिमूवर, यहाँ पे जाके टेक्स्ट का कलर लें, ठीक है। और अगर व्हाइट में लिखना है या जिसमें भी लिखना है वो आपकी मर्जी है, ब्लैक में कर दिया और ओके करके यहाँ पे लिखें बैकग्राउंड रिमूवर, फिर कंट्रोल ए प्रेस कर लें और यहाँ पॉइंट में जाके टेक्स्ट की हाइट कम कर दें, ठीक है, इतना कर रखें टेक्स्ट पढ़ा जा सके, सिलेक्ट करके और वी प्रेस करते हुए इस टेक्स्ट को इसके बिल्कुल इधर रखें ताकि वो हाइड भी ना हो जाए, थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इमेज आपकी गिग ओपन होगी तो ऐसे शो होगी। अभी मैंने सिंपल बिल्कुल इमेज बनाई है, अब आपने करना है कंट्रोल शिफ्ट एस, पहले आपने इस फाइल को सेव करना होता है बेसिकली, तो जस्ट कंट्रोल एस कर लें। अभी ये फाइल सेव नहीं थी, ठीक है ना, एक न्यू कैनवस था हमारा, सेव आ गया, सेव फाइल करते हैं, पहले पी एस टी फाइल लाजमी सेव कर लें, सोर्स फाइल। तो अब मैं आ जाता हूँ थंबनेल में, ये बाय में बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, यूनाइटेड वन के नाम से मैंने फाइल सेव कर ली, ओके सेव, ओके। अब आपने करना है कंट्रोल शिफ्ट एस, अभी वो सेव हो रही है 0% पे, तो अभी आपने कुछ नहीं करना, रुक गई, हो गई, ओके। अब कंट्रोल शिफ्ट एस, फिर ऐसे वही फाइल में गए, एक्सटेंशन ली, नाम यहाँ पर आप जो है ना गिग इमेज लिख लें इसको, ठीक है, कैप्स लॉक मैंने ऑफ कर दिया, गिग इमेज, ठीक है, वन, मैं फिलहाल एक नाम लिख रहा हूँ, इमेज के लिए जी लिखना था, एच हो, ठीक है, ये देखें। और यहाँ पे एक्सटेंशन बदल के जेपैक पे रखें और सेव करें, जब जेपैक के रखेंगे यहाँ पर आ रही है 346.4K, बिल्कुल ठीक है, इमेज आपकी बिल्कुल साइज में ओके हो गया, एमबीज में नहीं। आपको बता दूं मैक्सिमम आप 5 MB की इमेज लगा सकते हैं और आपको 2 MB की इमेज लगानी चाहिए है, और इससे कम हो जाए तो कोई मसला नहीं है। इसको सेव किया, इमेज बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन में आ गई, बिफोर आफ्टर सब कुछ ओके। अब इसको आप मिनिमाइज करके यहाँ पर आ जाएं, जहाँ पर हम इमेज लगाने जा रहे हैं, ब्राउज़र में आ गए, ये रहा ब्राउज़र, यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने जहाँ पे इमेज लगानी है, ब्राउज़ पे क्लिक किया, आगे ना इसमें ब्राउज़ पे, और यहाँ पर जाके ई ड्राइव में, यहाँ पे इमेज वन के नाम से जो अभी इमेज गिग की बनाई है ये इमेज है, इसको क्लिक कर दें, यहाँ पे अपलोड हो रही है, देखिए बिल्कुल फिट आ जाएगी इसके, सही हो गया। अच्छा, अब फिट होने में थोड़ा सा अपलोड हो रही है, फिर मैं आपको बताता हूँ, इतना ही काम होता है गिग बनाने का, इमेज लगानी है और ये सारी चीज़ें। हाँ, वक्त के साथ साथ आपको अगर ऑर्डर नहीं आते, कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर आप गिग की इमेज को रिप्लेस करते हैं, अपने प्राइस को कम ज़्यादा करने की कोशिश करें, दूसरे लोगों को चेक करें उन्होंने कितने कितनी प्राइसेस लगा दी हैं, अभी कंपटीशन ज़्यादा चल रही है, ये वो जो भी है, इस पर चेक कर दें,
और ये एक तरफ से समय में एग्रीमेंट है सर्विस सिस्टम्स का। और जगह भी जब हम कर रहे होते हैं, नहीं करेंगे तो कंटिन्यू सेव नहीं होगी, ठीक है ना। इस पर करके डिक्लेयर कर दिया हमने ओके, फिर यहाँ से आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू। इतना क्लिक करने के बाद आप देखेंगे पब्लिश की ऑप्शन आ रही है, वो तो सारा कुछ हो गया। आर यू अ यूएस पर्सन, क्या आप यूएस के पर्सन है, यूनाइटेड स्टेट के पर्सन है? नो, अब यूएस के पर्सन नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर सेव कर दें, फिर आ जाएगी ऑप्शन क्लोज, फिर आगे पब्लिश गिग, गिग को पब्लिश करना है। अब आपने, अब आपका अगर यहाँ पर कोई अकाउंट क्रिएट था, जैसे कि मैं बताया था फेसबुक का, ट्विटर या लिंक्डइन, तो उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं लिंक अपना, ताकि यहाँ से भी क्लाइंट देखें। डन कर दिया। अब देखिए आपकी फर्स्ट गिग जो है, जो आज का हमारा टास्क था, इस वीडियो में बताने का मकसद था कि किस तरह से हम एक गिग क्रिएट करते हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखें गिग बन चुकी है। उसी तरह से आपने आना है प्रीव्यू पे क्लिक करें, अपनी ही गिग को चेक कर लें। बाकी मैं सारे टैब्स क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। बाकी टैब्स तो सिर्फ हमने लर्निंग पर्पज के लिए देखे थे। अब ये आपकी गिग है, आपकी गिग पर टाइटल है आई विल डू प्रोफेशनली एनी काइंड ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लोगो लगा हुआ है, ग्राफिक्स डिजाइनर लिखा आ गया, बैकग्राउंड रिमूवल, इमेज लग गई, ठीक है। इसी तरह और इमेजेस लगेगी तो यहाँ पे शो होगी, देखिए पूरी इमेज शो हो रही है, ओके हो गया। पैकेजेस आ गया आपके बेसिक 10 इमेजेस, वही सारा उसी तरह से देखें, $5 स्टैंडर्ड में आ गए उसी तरह से, प्रीमियम में आ गए उसी तरह से। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, आप मजीद देखें तो ये आपका यहाँ पे देखिए वही डिस्क्रिप्शन भी आ गया, बैकग्राउंड रिमूवल आ गया, वही सारा कुछ बिल्कुल आपका काम हो चुका है। अब आपने इंतजार करना है और अपनी एक प्रैक्टिस जारी रखें, और उसके बाद ऑर्डर्स का इंतजार आपने करना है, ठीक है। यहाँ तक ओके, शेयर योर गिग लाजमी करनी है, इसको करें शेयर करके, क्लिक करके अपने फेसबुक अकाउंट पे, ट्विटर पे, और जहाँ पे भी आपका अकाउंट है इंस्टाग्राम वगैरह पे, इसके पोस्ट को शेयर करें, ओके। उसके बाद अब आते हैं हम डैशबोर्ड में। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, डैशबोर्ड पे आगे यहाँ पर रिस्पॉन्स वगैरह शो होंगे, टाइम अभी आपका बिल्कुल इनिशियल लेवल पे काम, कुछ भी नहीं कनेक्ट, ठीक है ना। अब आ जाए यहाँ पर बायर, ये देखिए ये ऑप्शन पहले नहीं थी, अब आ चुकी है। यहाँ पर मैसेज आ चुका है आपको, थैंक्स फॉर फिलिंग आउट फॉर्म W9। ये वो फॉर्म होता है जो बता रहा था कि आप US के पर्सन है या नहीं। मैं क्लिक करता हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस फॉर्म पे क्लिक किया, ठीक है, ये मैसेज को रीड कर लिया। ये वही फॉर्म है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट वाला। दो फॉर्म है इसके अंदर, तो ये वाला तो कंपनी वाला है ना, ठीक है। अच्छा चले दफा करें इसको, ये भी छोड़ दें। मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आए और फाइल पे क्लिक करें, सही है। फॉर्म W9 जो है ना, वो बेसिकली वही है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे गिग शो होगी, ये रही आपकी फर्स्ट गिग। देखिए बैकग्राउंड रिमूवल थोड़ा सा ऊपर से लग रहा है ना कटा हुआ, अगर मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता तो ये आपको बिल्कुल आपको लगेगी अब अपलोड बन गया, बिफोर आफ्टर, यही काम होता है हमारा। और यहाँ पे आप क्या करें, दरमियान में आप लिख दें क्विक सर्विस वाला लोगो लगा दें, एक साइड पर आप बता दें $5 फाइवर का लोगो लगा दें वगैरह वगैरह वगैरह, समथिंग मैं जो बता रहा हूँ, तो वो स्टाइलिश में आ जाएगी, वो भी काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, कर सकते हैं। पर ये देखना है आपने कितनी इमेज थी, कितना हमने मार्जिन छोड़ा है, कितनी छोड़ने की जरूरत है, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें शो हो रही हैं, हर चीज़ आ गई है, नई गिग बनानी है यहाँ पे जाएंगे, इसी को एडिट करना है, यहाँ पे क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं कि आपकी गिग को कोड कितने लोग देख रहे हैं। फिर प्रीव्यू पब्लिक मोड पे आ जाता हूँ, लोग आपकी गिग को जब ओपन करते हैं तो ऐसे शो होती है उनके सामने, ओके। आई विल डू प्रोफेशनली, सारा कुछ शो होता है, सब कुछ शो होता है, इस तरह से आपका ये ठीक हो गया, ये सारा आपकी ये गिग हो चुकी है कम्प्लीट। इतना काम आप कम से कम कर लें, और बाकी जो है अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह आप इसको बस शेयर करते रहें, ऑर्डर आए, ओके। अब आ जाते हैं यहाँ पे बाइंग, देखिए स्विच टू सेलर, अभी बायर पे है ना, तो अब स्विच टू सेलर कर दें, हम अपने ही सेलिंग अकाउंट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे बता दूँ आपने करना क्या है, हमारा नेक्स्ट टास्क होगा इस तरह से, हम जो है वो जिसे कहते हैं बायर रिक्वेस्ट, वो हम भेजेंगे। बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक किया मैंने, ऑप्शन आ रही है। अभी देखिए बिल्कुल स्टार्ट, अभी तो आपकी अब गिग को रिव्यू किया जाएगा। अब आपको बताऊँगा नेक्स्ट में हम बायर रिक्वेस्ट पढ़ेंगे, अब हमें बायर रिक्वेस्ट आएंगी, बिल्कुल फ्रेश है, एक दिन दो दिन लगेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट आने लगेंगी। क्लाइंट हमें कहेगा ये काम मैंने करवाना है, ये इतने पैसे मैं दूंगा ये, और आप एक दिन में 10 ऑफर जो है वो कर सकते हैं। ऑफर वो होगा जो बाय रिक्वेस्ट कर रहा है और आप उसको अपनी ऑफर दे रहे, बाय कहेगा मुझे ये काम करवाना, कहेंगे हाँ ठीक है मैं आपको ये काम करूंगा, इतने पैसों में करूंगा। आप एक दिन में 10 ऑफर दे सकते हैं,
इंशाल्लाह अभी ये काम है, आप अपने अकाउंट को इस तरह कर लें कंप्लीट, गीक बना लें और इंतजार करें, रोज इसको आपने रिफ्रेश करना है, चाहे एक घंटे बाद रिफ्रेश करके देखें, इसको जरूर देखें। बायर रिक्वेस्ट मोर में जाएं और बायर रिक्वेस्ट फर्स्ट है, इस पे क्लिक करके इंतजार करना है आपने कि बायर की तरफ से कोई मैसेज आता है कि नहीं। जब से जैसे ही आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, आप समझ लें आपकी गिग वर्क करना शुरू हो गई है। अगर आपकी इसके ऊपर मैसेज एक दिन, दो दिन, तीन दिन नहीं आते हैं, एक वीक तक नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा काम खराब है, तो आपको अपनी गिग के अंदर चेंजेस करनी जरूरी है, ताकि उसका टाइटल बदलें, उसके टैग्स चेंज करें, आप कर सकते हैं। बट आप फाइवर के अंदर सारी चेंजेस के अंदर आप फेसबुक अकाउंट लिंक जो किए गए होंगे वो नहीं चेंज कर सकते, आप कॉन्टैक्ट नंबर चेंज नहीं कर सकते, और आप प्रोफाइल का जो यूज़र नेम है वो नहीं बदल सकते। ठीक हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गिग इमेज जो है ना, गिग बनानी आ गई होगी, गिग इमेज में पता चल गया होगा, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लोगों की गिग्स भी देखी हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है कि अपने जो फाइवर अकाउंट जो आपने क्रिएट किया है उसको कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद एक गिग क्रिएट करके तो अब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसके अंदर मजीद अच्छी से अच्छी इमेजेस लगा सकें, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप में इसको न्यू यूज़र है, न्यू कमर है, तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहे। तो स्टूडेंट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।